नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का क्रिएटिव करियर में स्वागत करता हूं। और इसमें बात करने वाले हैं रेलवे का जो बयान आया है और आपका एनटीबीसी और आपका ये ग्रुप डी, इन परीक्षाओं को लेकर भी हम कंप्लीट बात यहां पर करने वाले हैं कि इनको उनको मौका मिल सकता है, किनको नहीं मिलेगा, उनकी भी बात यहाँ पर हम करेंगे। उसके पहले जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी जानकारी रहे वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो देखो, रेलवे के बयान की बात करें यहाँ पर, तो रेलवे ने बोल दिया यहाँ पर है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसके द्वारा 5 तारीख तक जो है इसको पूरा जो भी मतलब कि जो स्टूडेंट की जो भी समस्याएं थी, जो भी उनके प्रश्न थे, उन सबको पहुँचाना था मिनिस्ट्री तक। तो उन्होंने ये सारा काम कर दिया है, यानी कि फाइनली चीज़ें पहुँच चुकी है। अब इसी वीक में आपका जो है रिवाइज रिजल्ट भी आने वाला है। और आपका ग्रुप डी की बात करें यहाँ पर, जो सेकंड पेपर की बात हो रही थी, तो ये पेपर भी आपका हटेगा। पेपर आपका यहाँ पर एक ही होना है और पेपर आप एक ही होगा और दूसरा पेपर नहीं होगा, बाकी रिवाइज रिजल्ट भी आपका आएगा। और फायदा किसको किसको यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि देखो बहुत सारे वीडियो पर बन रहे हैं कि 50 नंबर वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। तो देखो इसे समझ लो, यहाँ पर इसमें आपको बताया कि कई लेवल की परीक्षाएं हुई थी, लेवल 2 3 4 5 6 करके थी यहाँ पर। तो इसमें से बात करें जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की थी, तो वही लोग तो यहाँ पर जो ग्रेजुएशन लेवल के थे, तो वो लोग मतलब कई जगह क्वालिफाई किए थे, इंटर वालों में पहुंच गए थे। तो यानी कि वो क्या होंगे, वो वहाँ से मतलब कि काउंट एक ही जगह पे किए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब 5 में हुआ है या 6 में हुआ है तो क्या होगा, वो केवल एक ही जगह पे काउंट रहेगा। 6 में इसका हो गया है तो 6 पे काउंट रहेगा, बाकी जो जहाँ जहाँ पे हुआ था सिलेक्ट तो माना जाएगा, लेकिन क्या होगा, काउंट वो एक किया जाएगा। तो इसमें होगा क्या है कि इस बार जो है फायदा मिलेगा इसमें इंटर वालों को, ग्रेजुएशन में ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका रीजन है, क्योंकि आपको पता होगा ग्रेजुएशन वाला इंटर में आ सकता है लेकिन इंटर वाला ग्रेजुएशन तो जाएगा नहीं। तो यानी कि ऑलरेडी पहली बात तो यहाँ पर जो नीचे वाले ही ऊपर आए हैं और ये ऊपर तो आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा कि ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो इसमें कट ऑफ में ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आएगा। फिर भी यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर मोटा मोटा, तो 3 से 4 नंबर तो आपके कम से कम गिरेगी, 3 से 4 नंबर। लेकिन इंटर वाले में तो काफ़ी काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये लोग जो ऊपर यहाँ पे आए थे अब ये क्या होंगे, सीधा सीधा यहाँ से हट ही जाएंगे, उनको काउंट ऊपर नहीं करेंगे। तो ये जो ऊपर वाली सीटें थी इंटर वाली लेवल, जितनी भी सीट पोस्ट थी इंटर लेवल की, उन सब में मेरिट काफ़ी काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि उसमें वेरिएशन है, अलग अलग जोन के हिसाब से ही उसमें वेरिएशन आएगा। तो फिलहाल क्या है कि फायदा जो मिलेगा इसमें इंटर वालों को ज़्यादा मिलेगा। बाकी ग्रेजुएशन वालों की बात करें तो फिर भी 3 से 4 नंबर जिनका कम पड़ रहा था, अब बिल्कुल लग तैयारी कर लो, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, परीक्षा से अगले महीने भी हो ही जाएंगे, समय बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे क्लास भी चल रही है, क्लास ज्वाइन करते हैं बराबर, सारी कुछ यहाँ पर सब चली जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत आने वाली यहाँ पर है ही नहीं। बाकी कोई भी जानकारी खाली आएगी फिर तो उसके बाद यहाँ पर करेंगे, जानकारी चलो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जो पहली बार जानकारी रहे वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।